आज हम बनाएंगे बेड़ेगर का अचार। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो कैरी को अच्छी तरीके से धो कर ले लिया और कपड़े से साफ़ कर दियो। इसको अभी हम कट कर लेते हैं। आपको कट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखिए हम इसे कट कर लेते हैं। आपको जैसे शेप का चाहिए, छोटा या बड़ा, आप उसके हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसे अचार के अंदर ही अंदर की जो कड़क होता है ना वो होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब यहाँ पर सब कैरी कट करके हो जाएगी तो उसके बाद में इसे हल्का कॉटन के कपड़े से इसे साफ़ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर का मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए। और जब ये पूरे कट करके हो जाते हैं, हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम इसे 4 से 5 घंटे की धूप दे देते हैं। ज़्यादा नहीं देना है, बस 4 से 5 घंटे ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसके अंदर हल्दी और नमक लगा के इसे रख दियो। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच नमक डाल दियो। यहाँ पर 2 बाउल लियो, क्योंकि 2 छोटे छोटे बाउल है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बाउल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जैसा कि मैं ये रात में कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे ओवर नाइट के लिए इसी तरीके से इसे छोड़ देती हूँ। और नेक्स्ट डे देखिए, और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर इसे धूप में रख दियो 2 से 3 घंटे के लिए। और जब 2 से 3 घंटे हो जाए, उसके बाद में मैंने यहाँ पर शाम के वक्त इसके अंदर मैंने यहाँ पर बेड़ेगर का जो मसाला है वो ऐड कर रही हूँ। जैसा कि ये 1 बाउल में 1 किलो का है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 पैकेट लियो। यहाँ पर जैसा कि 2 किलो हम कैरी लाकर कट करते हैं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई वगैरह निकल जाती है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ज़्यादा लियो कैरी। और जब ये राई का जो तेल है उसे गर्म करके ठंडा कर लियो और वो इसमें ऐड कर देते। 1 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ पर 200 ml तेल लियो और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें लास्ट में मैंने 1-1 चम्मच नमक और ऐड करी हो। तो ये देखिए कुछ स्पून से हम इस तरीके से इसे मिक्स करें और दोनों बाउल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए परफेक्टली अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो बस इतना ही करना है हमें। और इसके बाद में मैं यहाँ पर एक अच्छा सा एक जार ले रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं है, अच्छी तरीके से इसे कपड़े से साफ़ कर करके लिए। और इसके अंदर पूरा हम ये डाल देते हैं जो अचार बना कर रखे हुए। तो दोनों बाउल का इसमें बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो बर्नी है बड़ी है 2 किलो के हिसाब से। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परफेक्टली हो गया है ये। इसमें हम अभी ऊपर से तेल डालेंगे, जो राई का तेल है वो जो गरम करके रखे थे, तो 1 किलो में 200 ml था, तो वैसे मैंने पहले आधा ही तेल डाली थी और आधा तेल हम ऊपर से डालेंगे। और इसे हम जब कभी भी अचार बनाओ तो इसे तुरंत यूज़ करने के बाद में जो टेस्ट आता है, तो आप 2 से 3 दिन के बाद में इसे यूज़ करके देखिए, खाकर देखिए, बहुत ही परफेक्ट और यम्मी टेस्ट आएगा। तो मैं इसे अभी ढक कर 2 दिन के लिए रख देती हूँ, उसके बाद चेक करेंगे। सच मानिएगा इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आता है, बहुत ही यम्मी बनता है अगर इस तरीके से बनाते हैं तो। लेकिन जब कभी भी आप इसे यूज़ करो तो इसे कवर करने के पहले अच्छे तरीके से कॉटन से साफ़ कर लेना ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें कितना तेल डाले हैं और इसे कवर कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा बेड़ेगर का अचार रेडी है। थैंक यू।